सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू मीम टोकन के बारे में जिसका नाम है किबा इनो। बट मैं आपको बता दूं, किसी भी आप टोकन में अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी खुद की भी रिसर्च एक बार अपना जरूर करें और अपना दिमाग भी यूज करें और खुद भी उसको पढ़ लें तो आपको ज्यादा तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। और वी आर हम यहाँ पे से हम जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाते हैं, ठीक है गाइज। तो एक नया प्रोजेक्ट है किबा इनो यहाँ पे गाइज। तो यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ था काफी थोड़े टाइम पहले, यहाँ पे जनवरी 2022 के आसपास करीब बता रहे हैं यहाँ पे लॉन्च हुआ था ये। तो गाइज ये जो टोकन है यहाँ पे, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने 10% सप्लाई जो है ऑलरेडी बर्न कर दिए इथेरियम और बीएनबी दोनों चेन के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा फोर मोर डेज अंडर द जेनेसिस कलेक्शन लॉन्च। यहाँ पे शिबा इनू एनएफटीज भी लॉन्च होने वाली है, एनएफटी कलेक्शन का बहुत शानदार है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी कुछ यूटिलिटीज भी है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा गाइज, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और ये भी देख लो, सारा कीबा इनू के ऊपर ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये इनका कीबा इनू का स्वैप भी है, यहाँ पे आप टोकन भी बाय सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो कहने का मतलब है, ठीक है। और इनका ये ब्रिज भी है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रिज है इनका, यहाँ पे आप ब्रिज भी है देखो, इथीरियम और ये बाइनेंस, ये सारा जगह वॉलेट कनेक्ट करके, ठीक है। और स्वैप भी है, ठीक है। तो ये कीबा का स्वैप है, कीबा इनो एनएफटीज भी है। यहाँ पे देखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये है कीबा इनो एनएफटीज, यहाँ पे इनका एनएफटी कलेक्शन भी है, ठीक है। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे खोलोगे करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा एनएफटी कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे है कीबा इनो, ठीक है। टोटल बर्न 111 बिलियन टोकन इन्होंने बर्न कर दिए हैं। टोटल सप्लाई यहाँ पे बीएससी की ये जिन्होंने दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 ZDs आपको करीब देखने को मिलेगी, ठीक है। सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक सप्लाई है। 105 बिलियन तो ऑलरेडी इन्होंने बर्न कर दिए हैं, ठीक है। और ये टोटल सप्लाई ईथीएच और ईथीएच ब्रिज, यहाँ बैलेंस यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। 1 कीबा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी सर्टिक ऑडिट भी है, 273 करीब रैंक यहाँ पे दिखा रखी है। और कीबा इनो की अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं, यहाँ पे वॉल्यूम अभी 1,28,263 है, तो अभी वॉल्यूम तो बस हालांकि बहुत कम है। बट अगर मैं इसके एक्सचेंज की बात करूं ना, यहाँ पे अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप बाय कीबा डालोगे ना, तो यहाँ पे देखो कीबा स्वैप है, पैनकेक स्वैप, यूनि स्वैप, फ्लोट रेट, ठीक है। इसके अलावा देखो gate.io पे लिस्ट है, मैक्सी ग्लोबल, बीकेएस, हॉटबिट तो खत्म हो चुका है, एल बैंक, डीजी फिनेक्स, बिट टू बिटमार्ट पे अवेलेबल है। तो ठीक है, आप इसको gate.io पे परचेज कर सकते हो कीबा इनो को अगर आप चाहो तो, ठीक है। हालांकि देखो, ये एक मीन कॉइन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसमें करीब आपको 5 0 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इससे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं हमेशा कहूंगा किसी भी मीन कॉइन में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, तो रिस्क हमेशा बन रहता है, ठीक है। सो ये भी एक कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है, जितना कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती है उतना ऊपर ये पंप और डंप पंप होता रहेगा, कहने का मतलब है। डंप भी हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीम कॉइन पंप एंड डंप, जब भी पंप हो तो अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस है जहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा रहा था कहाँ गया, ये देखो gate.io जैसे पे आप इसको खरीद सकते हैं इस टोकन को, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो यहाँ पे उन्होंने सप्लाई कम रखी है, तो आराम से सारे मतलब तो ठीक ठाक एक्सचेंज है वहां पे, सब पे अवेलेबल है, ठीक है। बट शिबनोबी शिंजा कॉइन अभी तक ना तो gate.io पे आया है, ना मैक्सी ग्लोबल पे है, ना ही बिट ट्रू पे आ चुका है। ना बिट ट्रू पे भी इनकी बात चली थी, अब तक बिट ट्रू पे कोई लिस्टिंग का कोई आता पता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेकार चीज लगती है शिंजा के ऊपर मेरे को, तो यहाँ पे इनको काम करना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर भी, ठीक है। हालांकि ये टोकन देखो लिस्ट है, तो ये टोकन वैसे जेन्युइन टोकन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। 20 30 डॉलर, इससे ज्यादा मैं 2 3 हजार रुपए लगा सकते हैं, इससे ज्यादा मैं सलाह किसी को भी नहीं देता मीम टोकन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी कीबा को लेकर, इनका कीबा स्वैप है, ठीक है, कीबा एनएफटी कलेक्शन है, कीबा ब्रिज है, तो ये सारी चीजें इनकी जुड़ी। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे और आगे क्या क्या लेके आते हैं। तो ये अपडेट थी कीबा को लेके गाइस। तो अपडेट्स अभी इनके कोई खास नहीं आई है, क्योंकि लिस्टिंग को लेके भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश जोन में चल रहा है, तो अभी यहाँ पे लिस्टिंग वैसे ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या क्या नई अपडेट देता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए।